हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, बिल्कुल लास्ट टॉपिक और बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हमने जब स्टेजेस की थी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, फोर स्टेजेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी थी कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने होते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना होता है। लेकिन उन सारे डॉक्यूमेंट्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है वो है तीन डॉक्यूमेंट्स, और उसके भी आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करनी है। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट, कौन से स्टेज में ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर फाइल किए जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स क्या पर्पस सर्व करते हैं, सिर्फ ये जानना आपके लिए काफी होगा। तो बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के नाम, और मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बना दिए हैं ताकि डेफिनेशन के साथ साथ हम इसको कंपेयर भी कर सकें। तो सबसे पहले डेफिनेशन नोट करिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा होता है कंपनी की पावर्स के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, जो ये तय करता है कि क्या बाउंड्रीज हैं जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती है। सो दैट इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन देखिए, आर्टिकल्स का मतलब होता है रूल्स। आर्टिकल्स मतलब आप बहुत सारी मूवीज भी देख चुके हैं। द डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे चलाई जाएगी, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टू द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम इज द मेन डॉक्यूमेंट, ये आप उसकी स्टेटस या पोजीशन के बारे में कंपेयर कर सकते हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है और मेमोरेंडम जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप की जब बात आती है, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स, मतलब कंपनी का बाहर वालों के साथ कैसे डीलिंग होगी, ये सब कुछ किसके थ्रू डिफाइन होता है, मेमोरेंडम के थ्रू। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द मेंबर्स, कंपनी में जो इंटरनल ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं, उनके साथ कंपनी कैसे डील करेगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में डिफाइन होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड फाइलिंग की, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि मेमोरेंडम फाइल करना मस्ट होता है, प्रिपेयर करके सबमिट कर दिया जाता है इन द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपल्सरी नहीं होता है, इसके बारे में दे रखा है कि कंपनीज एक्ट के रूल्स को भी फॉलो किया जा सकता है। तो अगर कोई कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो अगर अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना ना चाहे तो वो उन रूल्स को भी फॉलो कर सकती है जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए कॉन्टेंट्स पे। कॉन्टेंट्स पे अलग से बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूडेड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसमें पांच पैराग्राफ्स होते हैं जिनको पांच क्लॉजेस कहा जाता है, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज। और इनके नामों से ही पता चल रहा है, नेम क्लॉज में कंपनी का नेम की क्लारिफिकेशन होती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव सब लिखे होते हैं, लायबिलिटी क्लॉज में हर एक शेयर होल्डर की कितनी लायबिलिटी होगी वो लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस कहाँ है और उसकी सब्सिडरी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है वो लिखी होती हैं, और कैपिटल क्लॉज में एवरी मेंबर, एवरी शेयर होल्डर जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो लिखा होता है। तो मेन फाइव कॉन्टेंट्स होते हैं। और अगर हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कॉन्टेंट्स की बात करें बच्चों, तो उसमें भी 32-33 जो है वो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि राइट द कंटेंट्स इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन कुछ मेन रूल्स होते हैं, रूल्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स, रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, रूल्स रिगार्डिंग द वोटिंग राइट्स ऑफ द शेयर्स, रूल रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड द ऑडिट। तो इस तरह के कुछ रूल्स की लिस्ट है,
तो 8 से 10 रूल्स आप उसमें से याद कर लेंगे कि किस तरह से कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, शेयर्स से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एक कंपनी अपने आर्टिकल में डिटरमाइन करती है, वही रूल्स उसके मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। तो आर्टिकल्स में रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये कंटेंट्स के बारे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों प्रमोशन स्टेज में ही तय हो जाते हैं और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए ही दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। लेकिन जो थर्ड डॉक्यूमेंट है बच्चों, प्रॉस्पेक्टस, हमने जब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की थी और जब हमने स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की थी तब भी यही क्लियर किया था मैंने आपको कि प्राइवेट कंपनी की सिर्फ 2 ही स्टेजेस होती है और पब्लिक कंपनी की 4 स्टेजेस होती है फॉर्मेशन में। तो जो तीसरी स्टेज होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जो कि सिर्फ पब्लिक कंपनी की होती है क्योंकि वो पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो उसको एक और डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, दैट इज प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस की डेफिनेशन सिर्फ आप याद करेंगे, अ डॉक्यूमेंट इशूड एज अ सर्कुलर और अ नोटिस और द इनविटेशन और द एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम पब्लिक से पैसा मंगाते हैं, हम पब्लिक को कन्विंस करते हैं कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी कंपनी है और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस। ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में प्रिपेयर करके फाइल किया जाता है रजिस्ट्रार के पास एंड देन द रजिस्ट्रार इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ दीज 3 डॉक्यूमेंट्स एंड द कंपैरिजन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी क्लियर टू यू। सो आई होप कि इतना मुश्किल नहीं है इस टॉपिक को समझना। तो आई हैव कवर्ड नाउ फाइनली चैप्टर 2। अब इतना सारे टॉपिक्स थे बच्चों, काफी लंबा टॉपिक था लेकिन हमने इसको कवर अप कर लिया है। मैंने हर टॉपिक की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स एनसीईआरटी से लैंग्वेज लेकर छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ आपको एक्सप्लेन करा है। आप सारी वीडियोस देखिए बच्चों और उन वीडियोस में चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपैरिजन हो उनका, चाहे डॉक्यूमेंट्स का कंपैरिजन हो, आप एक बार सुन लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप देख लीजिए। अभी टर्मिनल एग्जाम से पहले नहीं देखी है तो कम से कम फाइनल एग्जाम से पहले आपको सारी वीडियोस देखनी जरूर है। और उन वीडियोस से अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि बाकी सारे बच्चों को भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए जैसे आपको आ गया। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 2 बिकॉज द कंबाइंड वेटेज ऑफ दीज 2 चैप्टर्स इज 16 मार्क्स। सो आई शैल बी डिस्कसिंग विद यू all types of possible questions that may come from these chapters and how to write the answers to these questions. So see you next time. Till then, goodbye.